वेलकम टू फ्लोरा आर्ट। आज मैं आपको आइसक्रीम कैसे कलरिंग करना है वो मैं बताने वाली हूँ। बट मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कलरिंग कैसे करना है, शेडिंग कैसे करना है और उसमें कितने शेड्स है, एज भी बताया है। तो आपको अगर मेरा मतलब आपको ये कुछ समझ में नहीं आया कलरिंग कैसे करना है तो आप वो मेरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। मैं अभी आपको फर्स्ट आइसक्रीम दिखाऊंगी कलरिंग करके। ये मैंने 3 कलर्स लिया है। पहले हम लोग ऑरेंज से बॉर्डर करेंगे, उसके बाद येलो एंड लास्ट एक ब्राउन कलर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी ऑरेंज कलर से। फर्स्ट आपको बॉर्डर करके लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया है आपको बॉर्डर थिक रखना है। अभी आपको येलो कलर से मर्ज करना है। कलर आपको खींचना है, दोनों भी कलर आपको मर्ज करना है। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे मर्ज कर रही हूँ। कलर अच्छे से मर्ज होना चाहिए, बच्चे नहीं करते। बच्चे यहां से लेंगे कंटिन्यू बट मर्ज नहीं करेंगे, तो आपको उन्हें बताना है कि मर्ज करना है। कलर को खींचना है अंदर। ये होने के बाद ये फिर से आपको कलर अंदर के साइड खींचना है। आप यहां पे देख सकते हो पहले कलर कैसा था ऑरेंज और अभी कैसा है और अभी कैसे बन रहा है। अभी यहां पे येलो कलर आ जाएगा। आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और भी मैं वीडियो बनाऊंगी बड़े बच्चों को कैसे शेडिंग करना है टिश्यू पेपर से वो कैसे शेडिंग बना सकते हैं। एक्चुअली छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं टिश्यू से, तो आप उन्हें ऐसे ही शेडिंग करने के लिए बताइए। यहाँ पे बस बॉर्डर करके अंदर लाइटली कलर करना है। आपको बच्चों को बताना है, आप अगर स्लीपिंग लाइन में कलरिंग कर रहे हो तो स्लीपिंग लाइन में ही जाना है, स्टैंडिंग तो स्लैंडिंग, स्लैंटिंग तो स्लैंटिंग। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अभी हम लोग बहुत सारे कलर्स लेंगे। यहाँ पर चेरी है, क्रीम है और कोन भी है। तो यहाँ पे मैं पहले कोन कलर करूंगी। फर्स्ट मैंने ब्राउन कलर लिया है। ब्राउन कलर से आउटलाइन करके लेना है आपको। ये भी ब्राउन आउटलाइन हो गया है। अभी मैं स्किन कलर यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पे अभी कोन का कलर बन जाएगा। पहले आपको खींचना है कलर, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कलर खींचिए। यहाँ पे अभी कोन ये अभी कोन
कंप्लीट हो गया है। व्हाइट पेपर नहीं दिखना चाहिए, वो आप ध्यान रखें। अभी हम करेंगे क्रीम कलर। क्रीम आप कोई भी फ्लेवर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर किया है, तो अभी ब्लूबेरी में कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप कोई अलग फ्लेवर भी कर सकते हो, पिस्ता फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, बट यहाँ पे कोन भी ब्राउन कलर है तो चॉकलेट फ्लेवर यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा, वो मर्ज हो जाएगा। तो आप लोग अलग कलर चूज करोगे तो अच्छा है। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लूबेरी बना रही हूँ। आप चाहिए तो सिंगल सिंगल आइसक्रीम भी बना के यहाँ पे फिर से येलो कलर दे सकते हो। बस आउटलाइन करके लेना है, उसके बाद अगेन आवर मर्जिंग टाइम, मर्ज करना है। कलर खींचना ना भूले, कलर आप जितना खींचोगे उतना ही कलरिंग आपका ड्राइंग बहुत सुंदर दिखेगा। ये अभी कंप्लीट हो गया है क्रीम। नाउ आवर चेरी टाइम। चेरी तो रेड कलर का ही रहता है, तो आपको फर्स्ट रेड कलर से बॉर्डर करके लेना है एंड देन पिंक कलर। यहाँ पे उसमें है पिंक कलर, दो तीन पिंक, चार पिंक कलर है, बट ये सबसे लाइट पिंक कलर है, तो लाइट पिंक कलर से आपको मर्ज करना है। पिंक कलर 341 नंबर। कंफ्यूज मत होना, आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर कर रही हूँ। बॉर्डर करवाएं बच्चे से, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ये अभी हमारा आइसक्रीम कंप्लीट। बाय किड्स।